यस नमस्कार ग्लेज परिवार, आप सबका दोस्त कुश आज आप सबके सामने आया हूं दोस्तों, फिर से एक नया ट्रेनिंग सेशन लेकर। दोस्तों मैं अपने सेशन को आगे लेकर जाऊं उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी आपको मेरी इसी तरह की वीडियोस लगातार आती रहे, आप उसको देखते रहें। इसके लिए सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और उसके बाद लाइक करें, और जो जो आपको मेरी ट्रेनिंग्स वीडियोस अच्छी लगे आप उसको जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपके सामने एक सेशन कंडक्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि है हमारी गैलवे कंपनी के अंदर कई सारे अलग अलग रेंज है दोस्तों। एक कैटेगरी कृषम है दोस्तों, जिसकी ट्रेनिंग देने वाला हूं ग्लेज के प्रोडक्ट्स की, और कल 2:30 दोपहर में यानी 2:30 मैं आपके सामने हमारे गैलवेदा और न्यूट्री फ्लो, ये हमारी दो कैटेगरी है, उसकी ट्रेनिंग लेकर आऊंगा दोस्तों। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम उसकी ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वैसे तो उसकी जानकारी बहुत अधिक है दोस्तों, बहुत डिटेल्ड में है, लेकिन हर ट्रेनिंग के अंदर कुछ मुख्य सवाल बना दिए जाने चाहिए ताकि ट्रेनिंग आसानी से याद हो सके, हमारे दिमाग में रह सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस ट्रेनिंग के अंदर हर ट्रेनिंग में 9 सवाल लिखे हैं दोस्तों, हमें खाली उस 9 सवाल पर ध्यान देना है। मैं एक तो सबसे पहले वो जो 9 सवाल है मैं वो आपके सामने यहां बोर्ड लिख देता हूं, और बारी बारी हम जितने भी प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे हम उसी 9 सवाल के ऊपर करेंगे। आगे जो आपको PDF भेजा गया है उसमें भी आपको उन्हीं 9 सवालों को पढ़ना है, आपका जो एग्जाम और जो टेस्ट होगा उसके अंदर उन्हीं 9 सवालों में से आएगा। तो दोस्तों 9 सवाल में पहला सवाल है, सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है, पहला सवाल प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नेम है सबसे पहले दोस्तों। दूसरा, इसके अंदर मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, यानी दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन सा है, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसकी विशेषता क्या है, यानी स्पेशलिटी, ये दोस्तों तीसरा हो गया, 1, 2, 3। चौथे नंबर के ऊपर है कि इसकी विधि क्या है, यानी ये जो प्रोडक्ट हमारा रहेगा उसकी विधि क्या है, सॉरी तीसरा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों विधि, कि प्रोडक्ट की विधि क्या है, यानी उसे हमें उपयोग कैसे करना है, ये हमारा चौथा सवाल है। सॉरी, इसको लिखना चाहिए उपयोग की विधि का, उसका तरीका क्या है। पांचवा, लागत, यानी कि दोस्तों कॉस्ट, यानी उसका MRP। अगला है दोस्तों उसका जो मात्रा है, हमें उस प्रोडक्ट को, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसको लगभग कितना उपयोग करना चाहिए, मात्रा प्रति उपयोग, यानी कि क्वांटिटी पर यूजेस। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि आखिर जब आप इसको मात्रा प्रति उपयोग देख रहे हैं तो आखिर इसकी प्रति लागत, यानी कि दोस्तों जितना आप इसको यूज कर रहे हैं पर यूजेस, इसका कॉस्ट क्या है, पर यूजेस कॉस्ट। आठवां है दोस्तों इसके लिए, पहला मैंने आपको बताया नाम,
दूसरा है मुख्य तत्व, तीसरा है विशेषता, चौथा है उपयोग की विधि, लागत, मात्रा, प्रतिलागत, हाँ लाभ, मैं लाभ भूल गया था कि आखिर इस प्रोडक्ट के लाभ क्या क्या है हमें ये भी बताने हैं। नवे नंबर पर हमारा अनुभव, इस प्रोडक्ट को लेके हमारा एक्सपीरियंस क्या है। अब मैं एक एक करके एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपसे वन बाय वन करके यही सारे के सारे जो 9 सवाल है इस पर मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले मैं जो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, जो आपसे डिस्कस करूंगा, वो पहला प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों गैल्वे कंपनी का कोकोनट हेयर ऑयल। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों वो है हमारा कोकोनट ऑयल। दोस्तों इसके अंदर जो मुख्य इंग्रेडिएंट है, यानी इसमें डाला हुआ क्या है, इसमें दोस्तों नारियल और उसके साथ मिनरल ऑयल डले हैं इसमें, ये दो इसके मुख्य इंग्रेडिएंट है दोस्तों। इसकी विशेषता की बात करूं ना इस तेल की, तो मैं आपको बताऊं जब आप इस तेल को लगाते हैं अपनी त्वचा में, ये आपको बहुत अच्छा पोषण देता है। साथ के साथ अगर मैं इसमें बात करूं कि ये हमारे मतलब ये चिपचिपाहट नहीं देता है, इस तेल की खासियत है दोस्तों, ये होगी दोस्तों इसकी विशेषता। अब इसको हमने तीसरा लिखा है उपयोग, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तेल है दोस्तों, हम लोग बचपन से लगाते आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ये इस्तेमाल करने के लिए बहुत सिंपल सा है। सामान्य तरीके से हाथ में लगाते हैं और अपनी उंगलियों को बालों के अंदर से डाल के आपको लगाना है, और इसे नहाने से 1 घंटे पहले या ज्यादा देर तक भी आप इसको पहले लगा सकते हैं दोस्तों, ये उपयोग की विधि है। लागत की बात करूं 99 रुपए इस प्रोडक्ट की कीमत है हमारी इस प्रोडक्ट की कीमत 99 रुपए है दोस्तों। साथ के साथ 99 रुपए के साथ मैं बात करूं तो इसके अंदर एक बार में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो लगभग कितना इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट, आप इसे लगभग कितना इस्तेमाल करते हैं, एक सामान्य आदमी जो इस्तेमाल करता है लगभग वो 3 ml के आसपास इस्तेमाल करता है, और 3 ml के आसपास आप इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो लगभग एक बार इसको खर्च करने का, इस्तेमाल करने का खर्चा लगभग 1.49 रुपए के आसपास का आता है दोस्तों। लाभ की बात करूं मैं आपसे, इसका बेनिफिट क्या है, इसके लाभ क्या है दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके मुख्य तत्व नारियल है और मिनरल ऑयल है दोस्तों। नारियल क्या करता है, आपकी त्वचा को पोषण देता है दोस्तों, और साथ के साथ इसके अंदर जो मिनरल ऑयल है वो इसको चिपचिपाहट नहीं रहने देता है। ये था दोस्तों हमारा पहला प्रोडक्ट कोकोनट हेयर ऑयल के बारे में। दोस्तों देखिए ये जो मैं कैटेगरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बेसिकली पर्सनल केयर रेंज में ज्यादातर प्रोडक्ट वही है जो हम सामान्य घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ खासियत है, इसलिए मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं। इसके साथ अब मैं आपके साथ इसके दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं। इस कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों, और पर्सनल केयर में भी मैं आपको बताऊं, मैं ये जिस कैटेगरी से बात कर रहा हूं, पर्सनल केयर में भी हमारी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कई सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों। इस कैटेगरी के अंदर ये हेयर केयर है। हेयर केयर, हेयर का मतलब बाल, केयर की मतलब देखभाल। हमारे पर्सनल केयर में बहुत सारी रेंज है, मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। जैसे हमारी कैटेगरी अलग अलग मैंने शुरू में बताई थी, पर्सनल केयर के अंदर भी कई कैटेगरी है। इसमें जो अभी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं वो हेयर केयर पे कर रहा हूं, यानी बालों की देखभाल में। तो बालों की देखभाल में अभी आपके सामने मैंने तेल पर बताया, ऑयल में भी हमारे पास कई सारे ऑयल है और उसके अलग अलग गुण हैं। मैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा हमारे हेयर केयर रेंज में, वो है हमारा दोस्तों गैल्वे का हर्बल पंचतत्व शैंपू। अब ये हर्बल पंचतत्व शैंपू जो है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। हर्बल शैंपू, पंचतत्व शैंपू, इसमें दोस्तों मेन चीज क्या क्या डला हुआ है इस शैंपू में,
आप लोगों को शोर नहीं जाए, इस वजह से पंखा स्लो चला रखा है, इस वजह से पसीना आ रहा है यहाँ पर अभी इस लोकेशन के ऊपर, तो आप सोचेंगे सर के घर में पसीना क्यों आ रहा है, तो इस वजह से ही आ रहा है। हाँ जी, अब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके मुख्य तत्व आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि आपके पास पीडीएफ आया होगा दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको बताता हूं। इसके मुख्य तत्व है दोस्तों आंवला, इसमें आंवला है, शिकाकाई है, नीम है, एलोवेरा है और भृंगराज है। बेसिकली इसकी अगर विशेषता की बात करूं तो ये पांच प्राकृतिक अमूल्य औषधियों से बना हुआ है, जिन पांच चीजों के नाम मैंने आपको बताया, आंवला, शिकाकाई, नीम, एलोवेरा और भृंगराज। तो ये पांच इंग्रेडिएंट यानी इसके अंदर मुख्य तत्व है पांच चीजें दोस्तों, और पांच प्राकृतिक ये औषधियों से बना हुआ है, ये इसकी है विशेषता दोस्तों। अब इसके अंदर मैं इसके लाभ की बात करूं, अगर ये शैंपू इस्तेमाल करना है तो आखिर उसका लाभ क्या है, आखिर इसका फायदा क्या है, सबसे पहले आपको बताता हूं दोस्तों। ये बेसिकली जो अपना शैंपू है, ये हमारे बालों में अगर ज्यादा तेल होता है, ये इसको निकालने में बहुत मदद करता है दोस्तों, हमारे बालों को साफ करता है, उसके साथ के साथ सामान्य है बालों में नमी प्रदान करता है दोस्तों। ये हर शैंपू में नहीं होगा, कई शैंपू आप इस्तेमाल करेंगे बाल आपके रूखे रूखे हो जाएंगे, एक बार आप ये इस्तेमाल कीजिए, आपके बालों के अंदर बहुत अच्छी नमी होगी दोस्तों, नमी देगा, स्वच्छता देगा, पोषण देगा, जिससे पता क्या होगा, आपके बाल बहुत लहराएंगे, खूबसूरत लगेंगे और चमकदार भी बनेंगे, इन सब इंग्रेडिएंट की वजह से दोस्तों। शैंपू को इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, बड़ी सामान्य सी बात है दोस्तों। शैंपू को इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा आसान है, अपने मात्रा के अनुसार, किसी के छोटे बाल हैं तो कम, किसी के बड़े बाल हैं तो ज्यादा, उस अनुसार अपने बालों को गीला करके आप उसे अपने बालों में लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें जो कई बार शायद लोग नहीं ध्यान रखते हैं, थोड़ी देर शैंपू को बालों में रहने दीजिए, जरा सी देर, बहुत ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर रहने दीजिए, उसके बाद आप बालों को धो लें। ये था दोस्तों सामान्य उपयोग की विधि। बात करते हैं कि आखिर इसका कॉस्ट क्या है, इसमें लागत क्या है। 195 रुपए दोस्तों इस हमारे प्रोडक्ट की कीमत है। अब इसको अगर आप एक बार लगभग इस्तेमाल करते हैं तो 6 ml के आसपास लगभग हम एक बार इस्तेमाल करने पे सामान्यतः एवरेज 6 ml इस्तेमाल होता है, और उस आधार पर अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल करने का खर्च निकालें तो लगभग 5.85 रुपए आता है दोस्तों। 5.85 रुपए एक बार खर्च करके आप अपने लहलहाते सुंदर शानदार बाल पा सकते हैं। ये है दोस्तों हमारा दूसरा हेयर केयर रेंज के अंदर, मैंने आपको बताया हर्बल पंचतत्व शैंपू, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं अपने अगले रेंज की। ये था आपका पर्सनल केयर के अंदर ये हेयर केयर रेंज, अब मैं आपको दूसरे रेंज के बारे में बताता हूं जो कि है स्किन केयर। स्किन केयर रेंज क्या है ये आपको मैं साथ के साथ बता देता हूं। मैंने बताया था हेयर केयर मतलब हेयर से संबंधित, जैसा नाम से जाहिर है स्किन केयर यानी कि वो आपके स्किन से संबंधित है। तो स्किन के संबंधित में सबसे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके हम इन 9 चीजों के बारे में बात करेंगे, इस 9 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। वो प्रोडक्ट है दोस्तों हमारे पास गैल्वे का विटामिन सी फेस वॉश। ये हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों गैल्वे का, विटामिन सी फेस वॉश। ये कौन सी कैटेगरी में है, ये हमारे स्किन केयर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। इसमें अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसमें डला हुआ क्या क्या है तो आपको बताता हूं। इसमें संतरा है, इसमें नींबू है, इसमें विटामिन सी के, विटामिन सी के दोस्तों मिली कैप्सूल्स हैं, वो भी 100% सोप फ्री है दोस्तों।
ये सारी चीजें इसके मुख्य तत्व हैं, विशेषता। अब ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, जो इस प्रोडक्ट में डले हुए हैं, तो अब उसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता आपको बताता हूं मैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर संतरा, नींबू, एलोवेरा, विटामिन सी है, ये सब चीज। तो इसमें संतरा और नींबू का जो प्राकृतिक अर्क है, प्राकृतिक अर्क इसमें डला हुआ है, वो त्वचा को विटामिन सी प्रदान करता है। और इसके अंदर सारे के सारे जो अर्क हैं वो प्राकृतिक हैं दोस्तों। अब ये था पूरा का पूरा इसका विशेषता दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसको लाभ क्या है, हम आखिर विटामिन सी क्यों इस्तेमाल करें, इसका क्या फायदा है, सॉरी क्या लाभ है। अभी हम बात कर रहे हैं लाभ की। यस ऑफ कोर्स, लाभ और फायदा क्या है, बहुत सिंपल है दोस्तों। जो विटामिन सी है, विटामिन सी क्या करता है, जब आप इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, ये कोलेजन की मात्रा को बढ़ा देता है। कोलेजन की मात्रा जैसे बढ़ती है, कोलेजन की मात्रा के ज्यादा रहने से आपके चेहरे में एक कसाव आता है, चेहरे के अंदर एक टाइटनेस आती है दोस्तों। और इससे क्या होता है, आप जवान दिखने लगते हैं। ये हमें जवान दिखने में मदद करता है। ज्यादातर आप देखिएगा, एक सामान्य साइकोलॉजी है, 30 साल की उम्र के बाद ना लगभग लोगों का ये जो स्किन है वो थोड़ा थोड़ा लूज होने लगता है, जो अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये क्या करता है, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये चेहरे को टाइटनेस देगा दोस्तों। इसके अंदर प्राकृतिक अर्क डले हुए हैं। प्राकृतिक अर्क क्या करता है, ये आपके चेहरे को क्लीन करता है दोस्तों, आपके चेहरे को साफ करता है। इसके अंदर एलोवेरा है। एलोवेरा का काम क्या है, आप सब जानते हैं, ये चेहरे को नमी प्रदान करता है। और इसकी खास बात क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये सोप फ्री है। सोप फ्री रहने से फायदा क्या है, ये आप इसे चेहरे पर, गर्दन पर इस्तेमाल करते हैं ना, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। सोप फ्री होने की वजह से ये पूरी तरह से सुरक्षित है दोस्तों। उपयोग कैसे करेंगे, फेस वॉश है, सामान्य बात है, फिर भी आपको बताता हूं इसका उपयोग करने का तरीका। ऑफ कोर्स, चेहरे को पहले गीला कीजिए, फिर अपने हाथ में 25 पैसे के आकार का, 25 पैसे अब चलता तो नहीं है, 25 पैसे का आकार का मतलब है थोड़ा सा निकालिए और इसमें डालिए हाथ में। और उसके बाद चेहरा गीला है आपका, आप अपने चेहरे के 6 भाग में, माथे पर, नाक पर, ठोड़ी पर, गले पर, ऊपर की तरफ मसाज करें। ध्यान रखिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मसाज करना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं चेहरा मेरा टाइट हो। अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो चेहरा लटकेगा, जब आप ऊपर की तरफ करेंगे तो चेहरे के अंदर टाइटनेस आएगी। तो इस प्रकार से आप फेस वॉश को इस्तेमाल करें दोस्तों, उपयोग की विधि है। लागत की बात करूं तो, यानी इसको खरीदने में कितने का है, तो इसकी कीमत है 190 रुपए दोस्तों। तो वो है दोस्तों लगभग 1.50 ml। और उस हिसाब से इसको जो इस्तेमाल करने का खर्च आता है, यानी अगर एक दिन आपने अपने चेहरे को टाइटनेस देने के लिए, सुंदर और जवा बनाने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल किया, तो उसका कॉस्ट आएगा लगभग 2.85 रुपए दोस्तों। ये मैं जितने प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, आखिरी में लिखा है मेरा अनुभव, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। ये जो भी प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं, उन सबको मैं पर्सनली भी यूज करता हूं। नारियल तेल की अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपके बीच में आया, मैं हल्का सा वो ऑयल लगाकर आया हूं, मैं खुद उसको इस्तेमाल करता हूं। अगर आप चेहरे में ज्यादा नमी चाहते हैं अपने बालों में, तो नारियल तेल को थोड़ा ज्यादा देर रखेंगे, नहीं तो इसमें चिपचिपाहट नहीं है ना नारियल तेल में, तो इसको हल्का सा लगा के भी आप बाहर निकल सकते थे। शैम्पू हम यही इस्तेमाल करते आ रहे हैं जब से ग्लेज में आया हूं, क्योंकि जब तक मैं अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। सेम उसी तरीके से विटामिन सी, पपिया, ये जितने प्रोडक्ट हैं मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, लेकिन फेस वॉश में सबसे फेवरेट मेरा विटामिन सी फेस वॉश है दोस्तों। शायद इसकी पता नहीं क्या वजह है, शायद मैं 30 से ऊपर का हो गया हूं, ये वजह है क्या, शायद जिस दिन से मैंने ट्रेनिंग में सुना था, शायद मेरे माइंड में बात बैठी हो, जो के पार्ट दोस्तों। तो खुद मैं इसका यूजर हूं। जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आखिरी में जब आप किसी के साथ बात करेंगे, तो अपना अनुभव जरूर बताइएगा।
अपना अनुभव बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों। जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे अंतर मन से, आप उस प्रोडक्ट को आगे रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। तो पहला है कि आप खुद हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। क्लियर है दोस्तों? अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में। ये मैं भी आपको थोड़े थोड़े पॉइंट बता रहा हूं, हल्का हल्का सा आपको पॉइंट शेयर कर रहा हूं मैं। आपकी इसकी प्रॉपर पीपीटी और पीडीएफ आपके पास गया हुआ है, डिटेल्ड में अच्छे से समझिएगा। अगला प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, रोज डे क्रीम। ये बॉक्स में नहीं है और ये जितने प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। ये बॉक्स में नहीं है, ये यूज हो रहा है। ये देखिए डब्बी आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है, इस्तेमाल में है ये प्रोडक्ट, तो यूज कर रहा हूँ। ये हेयर ऑयल देख सकते हैं आप, इसकी क्वांटिटी हम लोग टाइम टू टाइम ऑफिस से मंगाते हैं। ये मेरा शैम्पू देख सकते हैं, थोड़ा पिचका हुआ सा है क्योंकि इसको मैं हम लोग यूज कर रहे हैं, मैं वहीं से लेकर आया हूँ। क्योंकि आप सब की तरह मैं भी हर महीने सामान खरीदता हूँ, शुक्र है ऊपर। मेरा अगला प्रोडक्ट है रोज डे क्रीम। माय डियर फ्रेंड, रोज डे क्रीम वंडरफुल प्रोडक्ट है। वन बाय वन करके बताता हूं इसमें मुख्य तत्व क्या है। इसमें गुलाब है और आलमंड है दोस्तों, गुलाब और इसमें आलमंड का अर्क डाला हुआ है, ये इसका मुख्य तत्व है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है? क्रीम है तो विशेषता क्या होगी? सबसे पहले जो हमारा रंग है इसको थोड़ा बेटर करता है। देखिए भगवान ने तो हमें जन्म दिया, सब उसी रंग के आए हैं, लेकिन सुधारने का मतलब क्या है? आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में, आजकल का जिस प्रकार का खाना है उस तरीके से हमारे चेहरे को भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं, वो स्किन को बेसिकली पोषण देने का काम करते हैं। जब उनको पोषण मिलता है, जैसे इस रोज डे क्रीम से मुझे पोषण मिलता है, तो हमारे चेहरे की थोड़ी रंगत सुधरती है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें डली हुई हैं जिसकी वजह से ये त्वचा में इसके कसाव रहता है। ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट हैं दोस्तों, ये फायदा है। इसके अंदर बेसिकली ये सब हो कैसे रहा है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए सी और ई है। आखिर इतना बढ़िया ये काम कैसे करता है? क्योंकि इसमें विटामिन ए है, सी और ई, इससे भरपूर है ये मेरा जो प्रोडक्ट है दोस्तों। यहां पर ये चेहरे को कसाब लेकर आता है तो क्या होता है, इससे जब चेहरे में टाइटनेस आती है तो थोड़ा सा जो फेस है उसमें जवान सा लुक निखर कर आता है। एक और खासियत है हमारे रोज डे क्रीम की दोस्तों, ये सूरज की हानिकारक यूएवी और यूवीबी ये दो किरणें होती हैं दोस्तों, इन किरणों से हमारी मदद करता है और त्वचा में नमी प्रदान करता है दोस्तों। इसके अंदर त्वचा के अंदर हमें नमी प्रदान कर रहा है जिससे हमारी त्वचा कोमल होती है। मैं इसकी विधि बताऊं तो वही सामान्य विधि है दोस्तों। इच्छा अनुसार थोड़ा सा लें, चेहरे के छह भागों पे आप इसे लगाएं, छह पार्ट के ऊपर इसको लगाएं दोस्तों, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा इसको जेंटली चेहरे में मसाज करें। तब तक मसाज करें तब तक ये चेहरे के अंदर एंटर ना कर जाए दोस्तों। इसके साथ हमारा एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, जो कि है लेवेंडर नाइट क्रीम। ये हमारी रात को इस्तेमाल करने वाली क्रीम है। अगर आप इसको भी रात में इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से समझिए सोने पे सुहागा। रात के समय इसे साथ में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों मिलके चेहरे को और कॉम्प्लीमेंट देंगे और ज्यादा फायदा देंगे। ये जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत है लगभग 298 रुपए के आसपास,
और अगर आप एक बार जितना सामान्य आदमी चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम इस्तेमाल करता है, लगभग 1 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करता है, और इसका जो एक बार में लागत आता है करीब 3.97 रुपए के आसपास एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का लागत आता है। यानी एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 3.97 रुपए के आसपास आपको लागत लगेगा। ये था मेरा दोस्तों रोज डे क्रीम प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूं अपने नए कैटेगरी की ओर। मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर से पहले कुछ कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हमारा पर्सनल केयर के अंदर ही अगला कैटेगरी है मेन केयर। मेन केयर जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है, पुरुषों के देखभाल के लिए एक रेंज बनाया गया है। और हालांकि इसमें जरूरी नहीं है नाम दिया गया है मेंस केयर, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट यूनिसेक्स हैं दोस्तों, लेकिन एक नाम डाल दिया गया है। इसके अंदर मिले हुए प्रोडक्ट हैं दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, रिफ्रेशिंग बाथ सोप। ये हमारा सोप है दोस्तों। आप जानते हैं हमारे पास इसके अलावा भी सोप है, तो अभी मैं रिफ्रेशिंग बाथ सोप के बारे में आपको बता रहा हूं। ये जो प्रोडक्ट है सोडियम पलनेट है, शिया बटर है दोस्तों। ये तीन चीजें मेन रूप से है इसके अंदर। इसकी विशेषता की बात करूं कि आखिर इसकी विशेषता क्या है इस साबुन का इस्तेमाल करने की, स्वच्छता तो प्रदान करता ही है ये बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अंदर बहुत सारे प्राकृतिक अर्क मिले हुए हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट है दोस्तों। अगर इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो इसका क्या काम है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट की बात आपको बताता हूं। बेनिफिट यानी कि लाभ। इसके अंदर लाभ क्या है आपको मैंने बताया, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, नींबू है। तो नींबू का क्या काम है, ये चेहरे में ताजगी लेकर आता है नींबू, और चेहरे को साफ करता है। नींबू जहां डलेगा वो चीजों को क्लीनिंग का काम करता ही है दोस्तों। सोडियम पलनेट है। सोडियम पलनेट साहब क्या करता है, सोडियम पलनेट और शिया बटर ये दोनों का ही काम क्या है दोस्तों, ये चेहरे को नमी प्रदान करता है। और कहीं ना कहीं इसमें जितनी भी चीजें डली हुई हैं कुछ खास फार्मूले से बना हुआ है ये, जिसकी वजह से ये चेहरे के अंदर ये खास फार्मूले से बना है जिससे कि ये साबुन को ना व्यर्थ में गलने नहीं देता है। बहुत सारे साबुन आप देखेंगे जो गलते हैं, ये नहीं गलने देता, ये इसकी खासियत है दोस्तों। अब मैंने आपको लाभ बताया दोस्तों, इसके साथ अगला आता है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बड़ा साधारण है दोस्तों, बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, साबुन है क्या बताना इसके बारे में, फिर भी ट्रेनिंग का पार्ट है। सामान्य वही गीला करके शरीर को साबुन आराम से अच्छे से पूरे शरीर पे लगाइए जब तक झाग बन जाए। उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होता है तो त्वचा को अच्छे से क्लीन करने के लिए लूफा का इस्तेमाल कर लीजिए और कुछ समय के बाद अपने शरीर को साफ कर लीजिए। ये जो साबुन है इसकी कीमत है दोस्तों 55 रुपए के आसपास कीमत है। लगभग एक बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 1.50 ग्राम के आसपास ये हमारा एक बार में साबुन खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से जो खर्चा आता है वो लगभग 66 पैसे के आसपास आता है दोस्तों। लेकिन 66 पैसे खर्च करके आपको मिलता क्या है, दिन भर की फ्रेशनेस, ताजगी मिलती है दोस्तों। ये प्रोडक्ट मेरा अनुभव की बात करूं तो मैं तो इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं और मैं अपने प्रोडक्ट से सिर्फ प्यार नहीं करता हूं, उन्हें इस्तेमाल करता हूं। और ऑफकोर्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मेरे घर के लोग जानते हैं, मेरे ऑफिस के लोग जानते हैं। प्रोडक्ट खत्म होने से पहले मैं मंगवा लेता हूं क्योंकि हर प्रोडक्ट मेरे को एक नया फील देता है दोस्तों। अब मैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलता हूं। हमारा अगला प्रोडक्ट है दोस्तों बॉडी केयर रेंज के अंदर, बॉडी केयर के अंदर आ जाता है। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब लाइम एंड एलोवेरा जो हैंड वॉश है, लाइम एंड एलो
मेरा हैंड वॉश। ये है दोस्तों हमारा लाइम एंड एलोवेरा हैंड वॉश, यहाँ पे अभी यहाँ रखा हुआ नहीं था, लेकर आए हैं। ये हमारा हैंड वॉश है दोस्तों, एलोवेरा है दोस्तों। ये दो मुख्य चीजें हैं। नींबू में क्या है बेसिकली, नींबू एक्चुअली एंटी माइक्रो माइक्रोकॉबियल गुण है इसके अंदर, और एलोवेरा का गुण आप सब जानते हैं, लगातार कई प्रोडक्ट में रिपीट हो रहा है, वो नमी बनाने का काम करता है। तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से लाभ क्या है, बेसिकली इसमें प्राकृतिक नींबुओं का अर्क डाला है जो क्या करता है, कीटाणुओं का नाश करके बहुत बेहतर तरीके से हमारे हाथों को साफ करता है और उसमें खुशबू प्रदान करता है। हम बाहर जाते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं तो जम्स आ जाते हैं बहुत सारे, ये इसको निकाल कर बाहर करता है। और इसकी खासियत है, एलोवेरा है दोस्तों, ये आपके हाथों के रूखेपन को खत्म करता है। मैंने एक शोधा प्लान का प्रेजेंटेशन दिया, जो कि मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूं तो मेरे जितने भी दोस्त होते हैं जो आते हैं, मैं उनको फील करवा के दिखाता हूं कि आप प्रोडक्ट को फील करो। तो दोस्तों ये जो एलोवेरा का है हैंड वॉश है, मैंने इससे इस्तेमाल करवाया तो उनका एक्सपीरियंस था कि ये तो कई सारे, इससे नमी भी आई और वाकई में हाथों में खुशबू आई। आप खुद इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा दोस्तों, एक्सपीरियंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने इससे पहले आपको इस साबुन के बारे में बताया था दोस्तों, मेरे एक अपना डेमो के अंदर भी मैंने दिखाया है कि ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट के ब्रांड से बहुत बेहतर है। आप मेरा वो डेमो देखिएगा जहां से आपको पता चलेगा, इसको मैंने मार्केट के बड़े ब्रांड के कॉम्पिटिटर के साथ आपको दिखाया था। तो इस तरीके से मैं अपने हर प्रोडक्ट की खासियत और बेहतरी के बारे में आपको बताते जा रहा हूं दोस्तों। बड़ा सिंपल उपयोग का विधि, सिर्फ एक बार आप पंप करें, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक बार पंप करें और उसके बाद आप अपना पानी से हाथ धोएं, आपका बिल्कुल हाथ क्लीन हो जाएगा और बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस और बढ़िया लगेगा। इसकी जो कीमत है लगभग 180 रुपए, 180 रुपए के आसपास कीमत है दोस्तों। और एक बार जो आप पंप करते हैं तो कितना उसके अंदर यूज होता है, 2 ml, 2 ml के आसपास यूज होता है और इस्तेमाल होता है 1 रुपए 31 पैसे लगभग एक बार खर्च। ये था दोस्तों हमारा बॉडी केयर का प्रोडक्ट, अपना लाइम एंड एलोवेरा का हैंड वॉश दोस्तों। ये जो हमारी कैटेगरी है दोस्तों, इसके अंदर कुछ कुछ मुख्य बातें ध्यान रखने वाली है। उपयोग विधि ज्यादातर हम जानते हैं, लागत वगैरह हमें याद ही रहता है, मेन मुख्य तत्व हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है और खासतौर पर इसकी विशेषता क्या है। रेट वगैरह तो हमें याद रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको किसी को भी ये सामान बेचना है, सबसे पहले खुद भी इस्तेमाल करना है, तो ये चीजें मुख्य रूप से याद होनी चाहिए होनी के अंदर। अगला मेरा प्रोडक्ट है दोस्तों जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हाइड्रेटिंग शेविंग जेल। हाइड्रेटिंग शेविंग जेल है ये, शेविंग जेल। शेविंग जेल क्या है, इसमें क्या है दोस्तों मुख्य तत्व, इसमें ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल एक बहुत महंगा और बहुत बढ़िया ऑयल होता है, इसमें मेंथोल है दोस्तों, और साथ के साथ इसमें एलोवेरा है। ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, मेन तत्व ये है इसके, होंगे तो और भी चीजें लेकिन ये है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये शेविंग जेल, मतलब इस शेविंग जेल में ना सौम्य एमोनिटल वाले तत्व बहुत ज्यादा है, ये इसकी विशेषता है दोस्तों। इसके रहने से फायदा क्या होता है, ये त्वचा को नमी प्रदान करता है दोस्तों, यानी सॉफ्टनेस देता है त्वचा के अंदर। इसकी खासियत है क्या होता है, कई लोगों की जो दाढ़ी है उसके बाल हल्के होते हैं, कईयों के कठोर होते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो जिनके बहुत ज्यादा कठोर बाल है ना, बहुत जल्द उनके उन बालों को नरम बना देता है। अगर बाल नरम बना दिया तो जब आप शेव करते हैं तो एक स्मूथ शेव होता है दोस्तों। आसान है बहुत इसको इस्तेमाल करना, हम जो भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को गीला किया, थोड़ा सा आपने इसको ब्रश के ऊपर लिया, थोड़ी देर इस्तेमाल किया, थोड़ी देर आप इसको रगड़िए, थोड़ी देर आप इसको, जब तक कि प्रॉपर थोड़ा झाग ना बन जाए उस समय तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद आराम से आपको
इसको ब्लेड से या रेजर आप जो यूज करते हैं उससे आप इसे हटा लीजिए दोस्तों। यहां पर एक और चीज है, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप शेव करते हैं तो रोम छिद्र खुल जाते हैं आपको, उसको बंद करने के लिए ऑलवेज हमारे गैल्वे का आफ्टर शेव स्प्लैश जरूर इस्तेमाल कीजिए। इस प्रोडक्ट की जो कीमत है 180 रुपए कीमत है दोस्तों, इस्तेमाल करते हैं लगभग जितना हम लेते हैं और एक बार चेहरे पे लगाते हैं वो लगभग 1 ml के आसपास होता है, और जब 1 ml आप खर्च करेंगे और एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो इस पे जो खर्च आएगा 1.80 रुपए के आसपास इसका खर्च आएगा दोस्तों। इसको करने के बाद आपको बहुत स्मूथनेस फील होगा। हमारे मार्केट के जो कई सारे नामी कॉम्पिटिटर हैं उनसे ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जो बाहर मार्केट में जो बिक रहे हैं प्रोडक्ट उससे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। मैं आगे चलता हूं। मैं अपने अगले उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो इसी से जुड़ा हुआ था। जब मैंने शेव किया तो ऑफकोर्स उसके बाद हमें आफ्टर शेव स्प्लैश चाहिए होगा, तो ये हमारे पास अपना आफ्टर शेव स्प्लैश है इस्तेमाल करने के लिए। अब इसके बारे में आपको बताता हूं मैं, इस प्रोडक्ट के बारे में। इसमें क्या क्या चीज जला हुआ है, इसके अंदर है दोस्तों एलोवेरा, एलोवेरा है इसमें, विच हेजल है इसके अंदर, कैमोमाइल है इसमें दोस्तों, टी ट्री ऑयल है इसमें दोस्तों, मैंथॉल है। ये सारी चीजें मुख्य रूप से हैं। तो विशेषता क्या है दोस्तों, 5-in-1 फार्मूले से बना ये आफ्टर स्पेश 5 प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, जो मैंने आपको 5 नाम अभी बताए हैं, एलोवेरा, विच हेजल, कैमोमाइल, टी ट्री ऑयल और मैंथॉल। ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब इसका फायदा क्या है, एक एक इंग्रेडिएंट का फायदा बताता हूं दोस्तों आपको। एलोवेरा क्या करता है दोस्तों, अगर आपका कहीं से अगर कट वगैरह गया तो उसमें बहुत राहत देता है। विच हेजल का काम क्या है, कई बार शेव करते हैं तो चेहरे में थोड़ी जलन जैसी महसूस होती है, विच हेजल उस जलन को शांत करता है दोस्तों। कैमोमाइल क्या करेगा, कैमोमाइल का काम है अगर बाय चांस शेव करने के दौरान अगर किसी तरह से घाव वगैरह कुछ बन गया महसूस हो रहा है तो उसको घाव को जल्दी भरता है दोस्तों। टी ट्री ऑयल क्या करता है, अगर हमारे पास यहां पर टी ट्री ऑयल त्वचा में अगर जो जीवाणु होते हैं उससे हमें सेफ करता है दोस्तों, बचाता है। मेंथॉल का क्या काम है, ऑफ कोर्स वो हमें ताजगी महसूस कराता है दोस्तों। ये इसका फायदा है। इस्तेमाल की विधि बड़ी सामान्य है, थोड़ा सा हाथ में लिया और चेहरे में आपने उसे अच्छे से लगा दिया, ठीक है दोस्तों। कीमत है इसकी 280, तो लगभग 2 ml के आसपास आपका खर्च होगा। थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि चेहरे के ऊपर लग रहा है, और एक बार खर्च करने का लगभग जो इसमें एक्सपेंस है वो लगभग 4.48 रुपए के आसपास है। यानी अगर आप जितने दिनों पे भी शेव कर रहे हैं और इसको लगा रहे हैं ताजगी महसूस करने के लिए, तरोताजा फील करने के लिए, अगर कटने जलने से आपके चेहरे को बचाव मिले तो उसकी कीमत है 4.48 रुपए दोस्तों। और एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं जो लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलता हूं मैं। मेरा अगला प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसका नाम है ओरल केयर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ओरल हमारे दांतों के लिए किया जाने वाला ये सेगमेंट है। इसमें मैं आपके सामने अभी बात करने वाला हूं हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट के बारे में। इस पेस्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट, इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट क्या क्या डाला हुआ है दोस्तों, मैं बताऊं आपको। इसमें नीम है, नीम है
मिसवाग है, सेग है, नीलगिरी है और लौंग है। दोस्तों ये सारे के सारे मुख्य इंग्रेडिएंट पांच हैं जो इसमें डले हुए हैं। बेसिकली अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो ये पांच इन्हीं पांच प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त ये टूथपेस्ट है दोस्तों, जो कि 100% वेज टूथपेस्ट है। ये टूथपेस्ट आपके दांतों को चमकदार बनाता है, साथ के साथ आपके मसूड़ों को स्वस्थ और ताजा महसूस कराता है। दोस्तों अब लाभ की बात करूं तो इसमें से एक एक चीज का लाभ आपके साथ शेयर करता हूं। नीम क्या करता है, नीम आपके दांतों पे ना प्लॉक बनने से रोकता है दोस्तों, ये नीम का खासियत है इसके अंदर। साथ के साथ नीम दांतों के जो मसूड़े हैं हमारे उसको मजबूत करता है। मिसवाक का क्या काम है, दांतों में अगर कहीं कहीं छेद बंद होते हैं दोस्तों तो उसको रोकता है। मिसवाक का ये रोल है कि उसको रोकता है। साथ के साथ वो क्या करता है, हमारे पूरे मुंह के अंदर खुशबू बना के रखता है दोस्तों। सेक का काम क्या है, ये कसाव बना के रखता है, थोड़ा सा ये कसाव बना के रखता है। नीलगिरी का क्या काम है दोस्तों, ये इन्फेक्शन होने से रोकता है, ये किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन ना हो वो। लौंग का काम क्या है, अगर दर्द वगैरह हो रहा हो उसमें राहत देता है, अगर हम सामान्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो दर्द को उत्पन्न नहीं होने देता है। इस पांचों प्रोडक्ट की ये सारे के सारे दोस्तों लाभ हैं। बात करूं इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आप ज्यादातर जगहों पे सुनिएगा, देखिएगा, होटल्स में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे तो दोस्तों, और आप किसी भी डॉक्टर से मिलिएगा तो डॉक्टर निर्देश देते हैं कि हमें दो बार ब्रश करना चाहिए, दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। और अपने घर में इसे आप हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाय चांस अगर 6 वर्ष की कम उम्र का बच्चा है उसे अपनी निगरानी में इस्तेमाल करने को बोले, थोड़ा सा मटर के दाने के बराबर इस पेस्ट को ले और इसको निगले नहीं, इसे स्वेल नहीं करें दोस्तों, ब्रश करें और बाहर फेंक दें इसे। इसकी जो कीमत है दोस्तों 72 रुपए के आसपास है, इवन 72 रुपए ही है। इसको अगर हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो 1.20 ग्राम हमारा इस्तेमाल होता है, और एक बार जो इस्तेमाल करने का खर्च है वो लगभग 58 पैसे के आसपास आता है। यानी अपने आप माउथ को जब फ्रेशनेस देते हैं तो लगभग 58 पैसे के आसपास आप खर्च करते हैं दोस्तों अपने ऊपर। एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने तो अभी एक पेस्ट के बारे में बताया है, हम लोग दोनों तरह के टूथपेस्ट यूज करते हैं, लेकिन ये पेस्ट जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, आपने यूट्यूब पर इसका डेमो भी देखा होगा जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया है, या फिर बहुत सारे लीडर ने डेमो करके दिखाया है। YouTube पे आप जाएंगे तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो होंगे। रिसेंटली मैंने इसका डेमो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप खुद देख सकते हैं ये कितना बढ़िया और कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मार्केट के नामी ब्रांड के साथ, जो बहुत बड़े बड़े नामी ब्रांड है, उससे ये बहुत बेहतर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि मेरी अगली कैटेगरी है, होम केयर। जैसा कि दोस्तों नाम से जाहिर है, होम केयर यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। हमारे पास कई प्रोडक्ट हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वो है दोस्तों हमारी कंपनी का डिश वॉश कंसंट्रेटेड जेल। ये डिश वॉश है दोस्तों जो कि हमारे घर में इस्तेमाल होता है, हम लोग यूज करते हैं, ये है प्रोडक्ट। इसकी मुख्य खासियत क्या है, इसके अंदर है दोस्तों नींबू, इसका मुख्य इंग्रेडिएंट नींबू है। नींबू का क्या गुण है, नींबू बेसिकली इसकी विशेषता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण है। नींबू एक अच्छा डीग्रीसर है दोस्तों। डीग्रीसर क्या होता है, तेल और चिपचिपाहट को ये बाहर निकालने का काम करता है। और इसकी एक और विशेषता है, ये बेसिकली रिंसिंग एजेंट है। अब इसके लाभ की अगर मैं बात करूं तो लाभ क्या है, मैंने आपको भी जस्ट बताया कि इसमें क्या है, डीग्रीसिंग। डीग्रीसिंग होने की वजह से ये ग्रीस, तेल और चिपचिपाहट, या फिर अगर किसी में बर्तन में दाग लगे हुए हैं उसको आसानी से साफ करता है।
रिंजिंग एजेंट क्या करता है साहब? रिंजिंग एजेंट एक एडवांस क्लीनिंग एक्शन देता है। एडवांस क्लीनिंग एक्शन से क्या होता है कि आपके बर्तन साफ सुथरे चमकदार दिखते हैं। घर के आप हर प्रकार के बर्तन को आप इससे धो सकते हैं, चाहे वो स्टील का बर्तन हो या फिर कांच के बर्तन हो, किसी भी तरह के बर्तन को आप धो सकते हैं साहब। उपयोग की विधि क्या है? बेसिकली ये कंसंट्रेटेड जेल है दोस्तों। आप देखेंगे, देखिए गाढ़ा है, ये गाढ़ा है, जेल की तरह है। आपको करना क्या है साहब, मुश्किल से एक बूंद आपको एक कटोरी के अंदर पानी डालना है, उसमें एक बूंद डिप करना है। एक तरीके से पूरा का पूरा आपका क्लीन करने के लिए बन गया। फिर कोई लूफा ले लीजिए आप, या फिर कोई स्पंज ले लीजिए, इसमें डुबोइए और आराम से पूरे बर्तन को साफ कीजिए दोस्तों। ये इसके उपयोग की विधि है। यहां पर इसके रेट की बात करूं तो 105 रुपए का हमारा प्राइस है दोस्तों। और लगभग एक बार जब आप एक ड्रॉप इसमें डालते हैं तो लगभग आप 10 ml आप खर्च कर देते हैं। इस 10 ml को खर्च करने पर आपको जो एक्सपेंस लगता है, एक्सपीरियंस, वो मेरे घर में तो धुलता ही यही है। अगर इससे पहले अगर आप साबुन की टिक्की या कुछ और कई बार इस्तेमाल करेंगे और उससे साफ करते हैं तो आप देखिएगा कई बार उसमें दाग दाग सा रह जाता है। इससे बर्तन बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल बर्तन नया जैसा लगता है और बहुत अच्छे से क्लीन होता है। ये इसकी खासियत है दोस्तों। मैंने आपको ना दोस्तों वन बाय वन करके अभी अलग अलग दूसरी दूसरी कैटेगरी के कुछ कुछ प्रोडक्ट के एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा बताया है। हर कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। यहां पर मैं चाहूं तो एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं, लेकिन यहां पर मैंने आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया है, एक थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे ग्लेज के कमांडोज हैं, जो मेरे योद्धा हैं, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आप सब लोग को बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से काम करना आता है। मुझे मालूम है जिस तरीके से जो बातें आपको मैं सिखा रहा हूं और बता रहा हूं, इसी तरीके से पूरा भरोसा और यकीन है। इसी वजह से मैंने हर कैटेगरी के कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया है दोस्तों। बाकी आप सब खुद अच्छे से तैयार करें, बढ़िया से तैयार करें। खाली मुझे आपको बताना था ये जो 9 प्रश्न है, इस 9 प्रश्न को आपको फॉलो करना है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो दोस्तों। इन 9 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और सारे प्रोडक्ट की तैयारी कीजिएगा दोस्तों। इसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होने वाले हैं, बहुत मुश्किल नहीं है इसकी ट्रेनिंग की। परीक्षा में आपके अच्छे और बेहतर नंबर आए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, लोगों के सामने प्रूफ करने का है दोस्तों। आप जितना बढ़िया ये टेस्ट देंगे, चाहे आपका लेवल आज कोई भी हो, एग्जाम्पल देता हूं, कोई आज सीडी लेवल के ऊपर भी है यहां, जब आप टेस्ट देंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो कल को जब आप यहां पर और हायर लेवल पर जाएंगे दोस्तों, यहां पर आप मास्टर बनेंगे, रॉयल मास्टर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे दोस्तों, तब आप अपनी डाउनलाइन को बताएंगे देख जो नंबर लाने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम इन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे, बढ़िया तरीके से, तब हम इनको इस्तेमाल भी करेंगे। जब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा अनुभव होगा, हम दूसरों को भी बताएंगे। तो दोस्तों इसी वजह से आज आप प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से लिखें, अपना दिमाग लगाएं, प्रॉपर तरीके से सीखें और फिर अच्छे से एग्जाम लिखें दोस्तों। मेरा यही मकसद है कि आप बढ़िया तरीके से इन सब, आज के दिन में हमने इसी वजह से सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक का ट्रेनिंग रखा है, जो जिसका कल एग्जाम है, जिससे कि आप आराम से एक दिन में इतनी ट्रेनिंग को बढ़िया से समझ जाएं और बढ़िया तरीके से उसको अपने आप अपने अंदर उसको संभालें। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इसी ढंग और इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से आप सीखें, आगे तरक्की करें, ग्रो करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक।
कल के टेस्ट में रॉक करना है। गो गैल्वे।